नमस्कार, मेरा नाम है रिंकी वाजपेयी, आप देख रहे हैं एफएससी न्यूज। नरेंद्र मोदी ने राजनाथ सिंह को फंसा दिया, अब पूछिए कैसे। तो लोकसभा का स्पीकर तय करने में मोदी ने जिम्मेदारी राजनाथ सिंह को दी है कि भाजपा का स्पीकर बनवाओ। इसको लेकर राजनाथ सिंह ने सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों की अपने घर पर बैठक भी बुला ली और मोदी को संदेश भेज दिया कि हमने सबको तैयार कर लिया है, आप जिसको चाहें स्पीकर बनवा दीजिए। हमने ये भी बता दिया है कि डिप्टी स्पीकर चाहे तो कोई भी सहयोगी दल अपना बना ले। ये संदेश प्रधानमंत्री आवास पहुंच ही पाता। इससे पहले संदेश चंद्रबाबू नायडू के हैदराबाद वाले घर पर पहुंच चुका था। वो संदेश था उद्धव ठाकरे का और संदेश ये था कि अगर मोदी तैयार नहीं होते तो आप अपना स्पीकर उतार दीजिए, पूरा इंडिया गठबंधन आपके उम्मीदवार का समर्थन कर दे। अब राजनाथ सिंह का दिल बैठा हुआ है। देखिए, जैसे तैसे जोड़ घटाकर नई सरकार का गठन तो हो गया, लेकिन लोकसभा स्पीकर का चुनाव होना बाकी है। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होने जा रहा है। इसमें पहला काम होना है नए स्पीकर का चुनाव। भाजपा स्पीकर की कुर्सी अपने पास रखना चाहती है क्योंकि पार्टियों को जोड़ने तोड़ने में स्पीकर के बिना कोई काम हो नहीं पाएगा, और अगर ईमानदारी से सदन चलाने पर आ जाए तो स्पीकर तो सरकार को पसीना आ सकता है। इसलिए सहयोगी दल घबराए हुए हैं कि जिस तरीके से बहुमत मोदी के पास है उसमें अगर उन्होंने उनकी पार्टियों को तोड़ने की चाल चली तो फिर क्या होगा। उद्धव ठाकरे की पार्टी, शरद पवार की पार्टी और यहां तक कि रामविलास पासवान तक की पार्टी को भाजपा ने नहीं छोड़ा है, तो 124 सांसदों वाली पार्टियों की विसात क्या है। इसीलिए आपको बता दें, टीडीपी ने लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर दावा ठोक दिया। नीतीश ने अपने पत्ते अभी तक नहीं खोले, कह तो रहा है कि ठीक है बना लीजिए लेकिन ज्यादा मन से नहीं। दूसरी तरफ भाजपा अपने सहयोगी दलों के साथ विचार विमर्श के बाद यह तय मानकर चल रही है कि अगर अगला लोकसभा अध्यक्ष उसी का होगा, लेकिन कौन होगा ये मोदी पर छोड़ दिया है और मोदी घोषणा नहीं कर रहे हैं, मतलब पेच फंसा हुआ है और इसलिए राजनाथ सिंह को लगाया गया है क्योंकि मोदी को पता है कि अमित शाह या बीजेपी, आपको बता दें जेपी नड्डा के बस की बात नहीं है और उनके अपने बस की बात तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि राजनाथ सिंह सहयोगी दलों को साध सकते हैं। तो फौरन जुट भी गए, उनके घर पर बुलाई गई बैठक। बैठक में खुद अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे, एलजेपी रामविलास के चीफ चिराग पासवान, जेडीयू की ओर से ललन सिंह जैसे नेता पहुंचे। बैठक में अभी चर्चा हुई कि क्या विपक्षी गठबंधन को तोड़ा जा सकता है, लेकिन ये खुद राजनाथ सिंह ने भी कहा है कि सारे दल अध्यक्ष पर मोदी का फैसला मान लेंगे, लेकिन टीडीपी ने चुप्पी साध रखी है और इससे मोदी की फजीहत हो रही है। अब देखिए, भाजपा के हालात इस मामले में बहुत खराब है क्योंकि 5 साल तक मोदी ने डिप्टी स्पीकर का पद खाली रखा, नहीं बनने दिया किसी को। इसको लेकर विपक्ष बहुत आक्रामक है। इंडिया गठबंधन ने साफ कह दिया कि अगर विपक्ष को लोकसभा उपाध्यक्ष का पद नहीं मिला तो वो स्पीकर के लिए अपना उम्मीदवार उतारेंगे। बताते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसके लिए गुटिया सजानी भी शुरू कर दी है। इस बार विपक्ष लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद आसानी से भाजपा या उसके सहयोगी दलों के खाते में नहीं जाने देना चाहता है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वो देख लेना चाहता है कि भाजपा लोकसभा अध्यक्ष के लिए आगे किसको करती है। इसी के बाद वो अपनी रणनीति तय करेगा या पत्ते खोलेगा। इसमें सबसे ऊपर है पुरानी परंपरा का हवाला देकर उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को देने का दबाव। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एनडीए के घटक दलों को भाजपा के पिछले 10 साल का इतिहास याद दिलाते हुए जो कहा है उससे राजनाथ सिंह का काम मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा लोकसभा अध्यक्ष का पद अपने पास रखती है तो टीडीपी और जेडीयू को अपने सांसदों की खरीद फरोख्त के लिए तैयार हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि टीडीपी और जेडीयू को महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गोवा, मणिपुर जैसे राज्यों में सरकारों को गिराने के भाजपा के पत्र को नहीं भूलना चाहिए। इनमें से कई राज्यों में तो स्पीकर की भूमिका के कारण ही सरकारें गिरी और पार्टियां टूटी। उद्धव, शिवसेना के नेता संजय राउत ने भी चेतावनी दे डाली है कि अगर भाजपा को स्पीकर पद मिलता है तो वो, आपको बता दें चलें, टीडीपी, जेडीयू के साथ ही चिराग पासवान और जयंत चौधरी के दलों के ही टुकड़े कर देगी। राहत ने ये कहा है कि हमसे बेहतर कौन जानता है कि भाजपा उन लोगों को धोखा देती है तो उसका समर्थन करते हैं, उसे मजबूती देते हैं। दरअसल मोदी पहली बार इस कदर फंसे हुए हैं, कमजोर महसूस कर रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष दोनों पदों को लेकर वो अपनी मर्जी से हिल तक नहीं पा रहे हैं क्योंकि मोदी की हैसियत 16वीं और 17वीं लोकसभा की तरह नहीं है। इस बार की आपको बता दें, जिसको चाहे उठाकर लोकसभा का अध्यक्ष बना दे, डिप्टी स्पीकर का पद खाली छोड़ दे। 2014 और 2019 दोनों चुनाव में उन्होंने अकेले दम पर पूर्ण बहुमत हासिल किया था, लेकिन इस बार भाजपा 240 सीटों पर ही अटक गई है और इस वजह से उसे बार बार सहयोगी दलों की चौखट पर दौड़ना पड़ रहा है। जेडीयू ने तो साफ कह दिया कि भाजपा जिसे नामित करेगी हम उसका समर्थन करेंगे। ऊपर से कहा है कि लेकिन टीडीपी और इसको लेकर कोई बयान नहीं आया है। इसके रुख को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि नायडू नीतीश कुमार की तरह मुलामियत बरतना चाहेंगे क्योंकि आपको बता दें, देखिए टीडीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता
ने कहा है कि भाजपा की मुसीबत बढ़ा दी है, तो स्पीकर का पद उसी को मिलेगा जिसके नाम पर सर्वसम्मति होगी। एनडीए के सहयोगी दल जब एक साथ बैठेंगे तो तय कौन करेंगे कि स्पीकर पद के लिए उनका उम्मीदवार कौन होगा। मतलब राजनाथ सिंह वाली मीटिंग को खारिज कर रहे हैं। आम सहमति बनने के बाद उम्मीदवार उतारा जाएगा और टीडीपी सहित सभी सहयोगी उम्मीदवारों का समर्थन करेंगे। इसका असर ये हुआ कि पिछले लोकसभा के स्पीकर ओम बिड़ला का पत्ता लगभग कट चुका है। हालांकि भाजपा में लोकसभा अध्यक्ष के लिए ओम बिड़ला पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह दोनों की पसंद बताए जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने सदन चलाया था उसको देखते हुए उनके नाम पर सहयोगी दलों की मुहर शायद ही लगे। एक चर्चा यह भी चल रही है कि टीडीपी की जिद को देखते हुए भाजपा आंध्र प्रदेश के अध्यक्ष की पुरंदेश्वरी के नाम को आगे कर सके। पूर्व केंद्रीय मंत्री पुरंदेश्वरी चंद्रबाबू नायडू की पत्नी नारा भुवनेश्वरी की सगी बहन है, लेकिन यह भी सीधा आसान और सरल नहीं है। दूसरी तरफ भाजपा का खेल खराब करने के लिए शिवसेना यूबीटी ने मैदान संभाल लिया है। संजय राउत ने कहा है कि अगर एनडीए में शामिल टीडीपी लोकसभा अध्यक्ष के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा करती है तो विपक्षी गठबंधन इंडिया के सभी सहयोगी उसके लिए समर्थन सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे। अब भाजपा के पास पत्ते खोलने के लिए देखिए अब समय बहुत कम रह गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून को शुरू होगा और 3 जुलाई को खत्म होगा। 9 दिनों के सत्र लोकसभा चुनाव का अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा और नए संसद सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। विपक्ष की बढ़ी हुई ताकत को देखते हुए इस सत्र के हंगामेदार रहने की पूरी संभावना है। विपक्ष के पास लंबे समय के बाद 230 से ज्यादा सदस्यों की बड़ी ताकत है। लोकसभा में 99 सांसदों वाली कांग्रेस पहले ऐसे शेयर बाजार घोटाले और नीट परीक्षा में धांधली के आरोप लगे हैं सीधे प्रधानमंत्री को घेर रही है। तो हमारे साथ देखते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल चैनल और पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।